तो अभी हम खड़े हैं शौर्य चक्रा आरसीसी वेलकम्स यू टू द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड द क्लिफ हैंगर। लेकिन यहाँ तक आने के लिए थोड़ी सी हड़बड़ी थी सुबह सुबह थोड़ी हड़बड़ी है क्योंकि आगे एक चेक पोस्ट है जहाँ से फिर काम शुरू हो जाता है। अगर वहाँ हम नहीं पहुँच पाए 8 बजे से पहले तो 12 बजे के बाद जाने देंगे। और अभी यहाँ पे 7:30 बज रहे हैं। निकल तो गए हैं हम गुलाबगढ़ से, अब देखते हैं वो जो पॉइंट है वो पहुँच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन राइड की शुरुआत हो गई तो राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। और मुझे लग रहा है ना कि यासिर भाई ने मेरे साथ धोखा किया है। इन्होंने मुझे बोला कि 8 बजे ऐसे से ऐसे काम स्टार्ट हो जाता है, आप जल्दी कर लो। मैंने कहा मैं फटाफट जल्दी मैंने करके मैं 10 मिनट से बैठा हूँ, ये बड़े आराम आराम से कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा ओए कौवे आ गए थे। अब मुझे लग रहा है कि ये जिस हिसाब से आराम आराम से कर रहे थे उस हिसाब से लग रहा है कि इन्होंने बस मुझे जल्दी करवाने के लिए ना ऐसा ऐसा बोला है। ये आगे चल के पता चलेगा। एक बढ़िया झरना दिखा है सुबह सुबह, और सुबह सुबह थोड़ी बारिश हुई है यहाँ पे। बाकी इस रोड को मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसको कहते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड, किश्तवाड़ किलाड़, पांगी वैली रोड। यहाँ पे एक पैच आता है जिसको कहते हैं क्लिफ हैंगर। क्लिफ हैंगर क्या है, बेसिकली वो पहाड़ों में लटका हुआ रोड समझ लो, ऐसे हवा में झूलता हुआ। तो वो सारी चीज़ें आज क्रॉस करनी है। और यार सुबह सुबह क्या बढ़िया वाटरफॉल दिखा है, मज़ा ही आ गया। क्या बढ़िया लग रहा है यार, एकदम ऐसे लग रहा है दूध गिर रहा है। मज़ा आ गया, सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी। और इस खुद रास्ते में भी थोड़े बहुत वाटरफॉल्स हैं, अभी ऐसे नहीं दिख रहे लेकिन आगे पीछे थोड़े थे रास्ते में ही। ओहो हो, लैंड स्लाइड्स, पत्थरों का गिरना। ओ भाई तोड़ा है, गिरा है। एक्चुअली इस रोड पे काम भी चल रहा है। खड़े तो हैं लोग यहाँ, पता नहीं चल पा रहा काम किधर। ओ भाई क्या रोड है। ओहो हो, क्या वाटरफॉल दिख रहा है सर, बढ़िया बढ़िया, मजा ही आई गयो। अबे यही रोड है ना पक्का। उतरना और भी कठिन भैया। वो काम कहाँ हो रहा है, वो काम कहाँ हो रहा है, वो स्टार्ट हो गया, अब जाने देंगे। ओहो हो, क्या बढ़िया वाटरफॉल है यार, क्या बवाल है, देखो को कहते हैं डेंजरस। मुस्तांग की याद आ गई, नेपाल मुस्तांग में भी ऐसा ही रोड है, ऐसे ही गांव-गांव के बीच। रोड क्लोज ड्यू टू ब्लास्टिंग, टाइम नौ क्लोज टाइम, देखो 9 PM टू 1 PM है। देखो मुझसे झूठ बोला गया है ताकि मैं जल्दी आ जाऊं। अरे उसने इशारा किया वहां से, रुक जाओ, देखो वहां लिखा है ना, देखो वहां
नौ से एक बजे तक बंद रहता है और दो से पाँच बजे तक। अच्छा, मैं 7 बजे आता, अब तो 8 बोल दिया आपने। तो 9 बजे लिखा ना सर आपने टाइम, तो टाइम चेंज हो गया ना। तो अभी खोल दोगे कितने देर में? बस हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आप 1-2 बजे तक रोक लोगे तो थोड़ा ही। चलो कह रहा आने दो। देख के बस निकल जाएगी, छोटा सा एक और। वो तो लग जाएगा, बुलेट है ना। लग जाएगा, बुलेट है ना। प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से। थैंक यू सर। यही वाटर क्रॉसिंग, यही मतलब इसका बात कर रहे थे ना आप? यहाँ तो बाइक खराब लेकिन वो वाला ज्यादा बड़ा था वाटरफॉल, ये छोटा है। ओ भाई आप उतरो पहले। अच्छा यही है क्लिफ हैंगर। ओ भाई पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे बेस नहीं है, ऊपर भी बेस नहीं है। हम बिना बेस के हैं, बिन पैंदी के लोटा हो गए हम। इस पे चढ़ाना इजी है ना? उतारना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो दिक्कत है। इस पे आपने धक्का मार के चढ़ाया? धक्का मार के चढ़ाया। बुलेट थी क्या? नहीं। तो? अच्छा यहाँ से एक वाटरफॉल, एक और क्या बढ़िया नज़ारे हैं सर। स्ट्रीम अच्छा मुझे लगता है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर लेना चाहिए ताकि थोड़ी पावर मिलेगी। वैसे तो ठीक है, अभी भी पावर है। यही दिख, ओहो हो यही दिखाना है।
अच्छा 20 किलोमीटर ऐसा ही है अब। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है शौर्य चक्र आरसीसी वेलकम्स यू एट वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड द क्लिफ हैंगर। तो आज की वीडियो अब यहाँ से शुरू होती है, मतलब हम यहाँ पहुँच गए हैं। वो जो पार्ट था जहाँ पे ब्लास्टिंग हो रहा था वो खत्म हो गया सर। वो ब्लास्टिंग यहाँ ऊपर हो रही है यहाँ से भी जल्दी निकलना है अभी यहाँ से मेन क्लिफ हैंगर स्टार्ट हो रहा है। तो आर यू एक्साइटेड? Yes, quite excited. मतलब ऐसा है ना कि इनका भी मन ये हो रहा है कि जल्दी खत्म करो, जल्दी निकलो जल्दी निकलो, चलो चलो। एक्चुअली रोड पे इतनी देर खड़ा रहना तो ठीक नहीं है। यहाँ से पूरा क्लिफ एंगल स्टार्ट हो रहा है। ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड द क्लिफ एंगर। ये ऐसे अगर खत्म हो के रहता ना कि हाँ भाई अब तुमने खत्म कर लिया है उसके बाद फोटो खिंचवा लो तो ज्यादा ज्यादा मजा आता। अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है और यहाँ पे ज़्यादा देर रहना अरे अरे सही नहीं है क्योंकि आगे ब्लास्टिंग हो रही है, पीछे उसका इम्पैक्ट इधर भी आता है, ये छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं तकलीफ हैंगर क्रॉस करने, लेकिन वो जो बैनर है वो क्रॉस करने के बाद रहता तो ज़्यादा मज़ा आता। वेलकम में ही आ गया ना, पहले फील कर लेते फिर फोटो खिंचवाते। 100 फीट से ज़्यादा नीचे खाई होगी ना, 100 मीटर से ज़्यादा होगी। ओह 300 फीट। ये रास्ता देखो यार, ओ भाई क्या बढ़िया वाटरफॉल भी गिर रहा है। अभी वो क्रॉस कर करके वहाँ से एक गाड़ी आ रही है, छोटी सी दिख नहीं रही होगी गोप्रो, वहाँ से ऊपर जाना है, उस रोड पे जाना है अभी। गजब। ये है एक्चुअली वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस। किन्नौर को तो ट्रेचरस कहते हैं, दुर्गम, ये सच में डेंजरस। ये गाड़ी जो वहाँ से आ रही है आप देखो, ये पहले से एक गाड़ी यहाँ पे रुक गई है ताकि क्रॉस करने का जगह तो है नहीं। तो मैं थोड़ा इधर से क्रॉस करता हूँ। ओ भाई आगे रोड बंद है, लेकिन बंद है रोड 12 बजे तक। ये तो निकल जाएंगे शायद। नहीं मुश्किल है, जल्दी करेंगे तो निकल जाएंगे। इधर से काट लो काट लो काट लो। इधर 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 चल काट दे। अभी और रुकोगे? गाड़ी आगे जा सकते हैं शायद, मैं आगे चलना चाहिए। आगे पास ही हम जा सकते बाइक के पास है, हो जाएगा। पानी से पहले ही रुकेंगे? पानी चलो ठीक है। वही रुक जाते ना, यहाँ काफी जगह है। बा 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 बा। पीछे करूँ मैं? नहीं ठीक है। ये देखो पानी क्या ऊपर से गिर रहा है और हम तो गीले हो जाएंगे। और इस रास्ते से जाना है। अभी भी ऐसा बहुत ये नहीं हुआ कि मतलब डेंजरस नहीं, अभी भी डेंजरस ही है। पानी से
ये सब बातें आपको यहाँ से निकल के नहीं बतानी चाहिए थी। ध्यान से आओगे तब निकलने के बाद बताने का क्या फायदा। निकलने से पहले आपने ऐसे डरा दिया मुझे। चलो हर हर महादेव। ये वीडियो एकदम रॉ वीडियो होने वाली है, इसमें कुछ नहीं, बस देखते जाओ क्या क्या फील किया है मैंने। ओ भाई सही कह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है केदारनाथ पे चढ़ाई कर रहा हूं। अरे वापस मत जाओ बे। ये डर गए सारे। आ ये अपने साथ कुत्ता भी रखते ना। ये 20 किलोमीटर का पैच है। मेरे ख्याल से इसको बनाना नहीं चाहिए। यही तो बात है, यही तो मैं कहता हूँ कि ये हमारा लोगों का गांव आसानी हो जाएगी, लेकिन हमारा खत्म हो जाएगा राइडर्स का सारा पैशन जो है इस रोड के लिए, जिसके लिए हम आते हैं यहाँ पे। ओ भाई ये देखो क्या बढ़िया है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रूट्स आई हैव एवर बीन। With the scenic beauties. बरसात में तो बैंड बज जाएगी। मेहनत करते हुए एक्चुअली क्या है ना, ज़्यादा ये रूट है यार। क्या बवाल रूट है बॉस। ये देखो क्या पानी कितना बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ की कुछ फोटोज लेकर अब हम बढ़ रहे हैं आगे।